आज हम आपको मिलाते हैं हमारे सीतानगर के जो प्रधान है विक्रम सर, उनसे तो उनसे आज हम बात करने आए हैं। मैं बता दूं 15 को एक केस हुआ था मॉडर्न स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में। एक लड़का जो एंटर हुआ था फुल डे वहां रहा और उसके नेक्स्ट दिन जो है पुलिस आकर पकड़े, अरेस्ट कर लेकर गया। अभी कोर्ट में भी लेके चले गए लड़का को। बट हम जब वहाँ जाके इंक्वायरी करे तो पता चला वहाँ पे ना ही वार्डन है और ना ही सिक्योरिटी गार्ड है और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा है। तो किस भरोसे में वहाँ बच्चे रहेंगे और किस भरोसे में बच्चों को वहाँ रखा गया प्रशासन? तो इसी विषय में जो है यहाँ के जो प्रधान है उनसे हम बात करने आए हैं कि क्या मामला है और इतने दिन से क्या हो रहा है वहाँ। सर पहले तो स्वागत करते हैं हमारा चैनल में। सर एक बहुत ही बड़ा विषय है कि वो लड़का एंटर हुआ, लेकिन क्या है कि एक लड़की बुलाए वो मैटर नहीं करता सर, वहाँ सुरक्षित नहीं है। एक जन अगर एंट्री अभी हो रहा है और कोई भी वहाँ से एंट्री हो सकता है, काफी वहाँ से पी कर लोग भी घूमते रहते हैं, कोई भी व्यक्ति कभी भी एंट्री हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। तो आप ये इस गाँव के सर इसके बारे में क्या कहना? सबसे पहले तो आपका न्यूज़ अब तक को मेरा तरफ से शुक्रिया कि आप लोगों ने न्यूज़ को कवर कर लिया। और देखिए ये जो घटना शायद 15 तारीख को ये घटा है, वहाँ उस दिन मॉडल स्कूल पे 15 तारीख 10:30 को पीटीए मीटिंग कॉल किया गया था, उसमें मेरा भी इनवाइट था। तो मैंने 10:15 को मैं मॉडल स्कूल में पहुँचा, 15 मिनट पहले ही मैं एंटर किया स्कूल में। जाके जब प्रिंसिपल सर का रूम में बैठा तो जाके मुझे बैठाया गया वहाँ पे कि मैंने कुछ इंसाइट सर कहा पे। तो तब स्कूल का कोई स्टाफ ने मुझे बोला कि सर थोड़ा इस तरह एक सुबह एक घटना हो गया तो वो मीटर में थाना पे। तो मैंने पूरा डिटेल्स जितना हो सके पूछा, लोगों को जितना जानकारी था मेरे को बोला कि इस तरह बैठा है घंटे। लेकिन होने के बाद पीटीए मीटिंग हुआ, फिर हम लोग वहाँ से आ गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैंने उस दिन भी बोला कि हॉस्टल वार्डन जब यहाँ है और हॉस्टल का क्वार्टर भी है, गर्ल्स हॉस्टल के लिए जो हॉस्टल के लिए जो वार्डन रहने के लिए क्वार्टर भी वहाँ पे अलॉटेड है, लेकिन वार्डन वहाँ पे नहीं रहता। और सबसे और एक चीज़ है, देखिए यार जो है लड़की बोलने से बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है हम लोग का जेंट्स में, तो लड़की का सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोग का समाज के लिए। तो आज वहाँ पे लेडीज गर्ल्स हॉस्टल है, लेकिन प्रशासन से हम लेटर लिख चुका हूँ, आज नहीं तो कल तक वहाँ पे पहुँच जाएगा। एजुकेशन डायरेक्टर, डीसी सर, एजुकेशन सेक्रेटरी सबको मैंने दे चुका हूँ कि हॉस्टल का वार्डन जब है हॉस्टल का वार्डन इधर रहना चाहिए, प्लस एक फीमेल सिक्योरिटी गार्ड 24 आवर्स के लिए हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल में प्रोवाइड किया जाए, ताकि इस तरह जो चूक अभी हुआ है फ्यूचर में इस तरह चूक ना हो। और एक चीज़ मैं ये बारे में आज सुबह ही डीओ सर को भी कॉल किया था, डीओ सर को कॉल करके मैं बोला मैं सीतानगर प्रधान बोल रहा हूँ, तो उन्होंने पहले तो मेरा को बोल दिया कि मैं बिजी हूँ अभी बात नहीं कर सकता, बोल के कॉल कर डिस्कनेक्ट कर। मैंने सोचा शायद मेरा बात क्लियर नहीं सुना है, फिर मैं दोबारा कॉल किया, कॉल करके फिर से मैं बोला मैं सीतानगर प्रधान बोल रहा हूँ और ये जो गर्ल्स हॉस्टल में जो मैटर हुआ ये सिलसिले में आपसे थोड़ा बात करना है। तो डीओ सर डायरेक्टली मेरे को बोल दिया, लेकिन सर वो बारे में मेरे को भी अभी तक फुल नॉलेज भी नहीं है, पूरा डिटेल्स मेरे पास भी नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ ये मुझे जानकारी लेके ही आपसे बात करूँगा। तो मैंने बोला आपका बात करेंगे तो आप बोला नहीं फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सर दूसरा सवाल यही हमारा है सर, कुछ होता है कुछ बड़ा कुछ कहीं पे होता है उसका बाद ही जाए ध्यान दिया जाता है इस विषय में। एक गर्ल्स हॉस्टल है जिसके लिए पहले से ये सब अरेंजमेंट होनी चाहिए ना सर। इतना दिन ये भरोसा में ये चल रहा है, अभी जब एक कांड हुआ है उसके बाद सबको अभी नजर आ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि पहले से इनका चूक है प्रशासन का ही? देखिए मेरा नॉलेज भी जितना है कि वार्डन का जो क्वार्टर है वो लेके, तो क्वार्टर में कुछ शायद रिपेयर है, इसके लिए सीएसआर विजिट आने के बाद से सबमिट हुआ था कि कहाँ में कितना गवर्नमेंट क्वार्टर वैकेंट है उसका एक रिपोर्ट दीजिए। तो मैं उसमें सर्वे तो रिपोर्ट दिया था कि गर्ल्स हॉस्टल जो मॉडल स्कूल का गर्ल्स हॉस्टल है उसके बगल में जो वार्डन का क्वार्टर है इसको रेनोवेशन और माइनर रिपेयर है इसको कराया, ताकि हॉस्टल वार्डन यहाँ पे रह सके। तो इसके पहले ही हम लोग मेरा तरफ से पर्सनल स्टेप ले चुका हूँ कि वार्डन कम से कम यहाँ पे रहे, क्योंकि क्वार्टर में कुछ शायद प्रॉब्लम है इसलिए वार्डन शायद यहाँ पे नहीं रहते। हाँ
हाँ सिक्योरिटी गार्ड जो नहीं है तो इसके लिए तो मुझे भी नॉलेज भी नहीं था कि सिक्योरिटी गार्ड देते प्रोवाइड करता है कि नहीं करता, मेरा नॉलेज भी नहीं था। लेकिन ये घटना होने का साथ साथ ही हम उस दिन पीटीए मीटिंग में भी बोला कि 24 आवर्स के लिए लेडीज गर्ल्स हॉस्टल के लिए कम से कम सिक्योरिटी गार्ड का बंदोबस्त किया जाए, इसके लिए मैं प्रशासन को मेरा तरफ से। ये आपको लगता है सर पूरा ये गलती जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है सर कहीं ना कहीं, इससे इतना बड़ा चूक है आप बोलना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ तो चुप है तभी तो ये दुर्घटना घटा है। अगर थोड़ा सा इसमें अगर पहले से ध्यान रखा जाता तो शायद आज तक ये जो दुर्घटना हुआ शायद नहीं होता। सर दुर्घटना तो चलिए कुछ हुआ नहीं, हम शुक्र बनाते हैं सर सिंपली निकल गए, क्योंकि हम देख रहे हैं सर काफी जगह में अभी इंडिया में चल रहा है सर, एक हॉस्टल का हमने सुना ही है न्यूज में चल रहा है जिसमे एक वीडियो बनाया गया है और उस वजह से काफी सारे लड़कियां जो सुसाइड भी कर रहे हैं अभी। ये विषय यहाँ भी हो सकता था सर, एक लड़का जाता है या कोई एक लड़का जाता है अंदर कोई वीडियो बनाते हैं कुछ बनाते हैं पूरा जितने भी लड़के सबकी लाइफ खराब हो सकती है सर, इसका जो प्रशासन इसका जिम्मेदारी लेते थे सर, आप इस पोस्ट में हैं आप उनको क्या सवाल उठाना चाहेंगे इस पर कि इतना बड़ा चूक कर रहे हैं जो अभी कांड होने का बाद वो देख रहे हैं चीज को? क्योंकि मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहूंगा जो हो चुका है वो तो हो चुका है जी, लेकिन फ्यूचर में कभी इस तरह कोई दुर्घटना ना हो उसके लिए प्रशासन को स्टेप लेना चाहिए। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि ऐसा स्टेप लीजिए कि फ्यूचर में इस तरह कोई दुर्घटना ना घटे, कोई भी बच्चों के साथ कोई भी होने दीजिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। ओके सर धन्यवाद, आपने हमसे जुड़ा और चीजों को शेयर किया और सही बात आपने हमारे सामने भी रखा, तो आपको बताना चाहेंगे प्रशासन को खास करके, देखिए हर एक चीज का वेट नहीं कर सकते हम लोग कि कुछ हो उसके बाद हम उसमें मुद्दा उठे उसके बाद उसमें काम करें, आपको पता होना चाहिए हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल है उसका सिक्योरिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इस पे ध्यान दिया जाए और इस पे तुरंत जो एक बार घट चुका है नेक्स्ट बार ना घटे इस पे ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।